जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। भारत सरकार ने 1 जनवरी से किसकी सभी किस्मों के निर्यात को मंजूरी प्रदान कर दी है? ए आलू, बी सेब, सी पपीता या डी प्याज। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले न्यूज नोटिफिकेशन तुरंत। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। भागलपुर आयुक्त के अमर्यादित भाषा के विरोध में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी द्वारा सवाल करने पर पत्रकारों को अमर्यादित भाषा कहे जाने के विरोध में भागलपुर पत्रकार महासंघ के बैनर तले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समक्ष सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि जिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सैंडिस कंपाउंड में विकास के कार्य हो रहे हैं, वह जनता की गाढ़ी कमाई है। सरकारी योजनाओं की निगरानी करना आम जनता का भी हक है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में सवाल पूछने पर आयुक्त ने पत्रकारों को खरी खोटी सुनाई, वह कतई उचित नहीं है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने एक स्वर में प्रमंडलीय आयुक्त से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के कारण माफी मांगने की मांग की है। वहीं भागलपुर के पत्रकारों ने भागलपुर पत्रकार महासंघ के बैनर तले हाथ पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अधिकारी के द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आक्रोशित दिखे और प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समीप पहुंचकर पत्रकारों से माफी मांगे जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान शशि शंकर, रवि कुमार, सुबोध कुमार, कुणाल शेखर, श्यामानंद सिंह, अरविंद कुमार, महेश कुमार, आर्यन कुमार, धीरज कुमार, अश्वनी कुमार, मोहम्मद इनामुद्दीन, रजनीश कुमार, संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। आयुक्त महोदया, एक पत्रकार को शटअप और गेट आउट बोलती है, ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। पत्रकार को अपने काम से रोकने का ये बहुत ही बुरी बात है। ये कहना इसका मतलब है कि आयुक्त महोदया कहीं न कहीं बाइस होकर पत्रकारों के साथ ये व्यवहार कर रही है। स्मार्ट सिटी के काम में पूरी घोटाला है, इसकी जांच की जाए और जो पत्रकार को जिस ढंग से सेटअप कहा गया है उसे माफी मांगा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर जब पत्रकारों के द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया जाता है तो जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं उनके द्वारा पत्रकारों को सेटअप कहा जाता है और उसको लेकर आज हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध अपना दर्ज कराया है। साथ ही साथ हम चौथे स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ का यह कार्य होता है कि जो भी कार्य यदि सही नहीं हो रहा है तो उसको हम प्रमुखता से दिखाएं, उसको छापें। यदि हम अपने कार्य में कोताही बरतते हैं तो इससे समाज और न ही आने वाली पीढ़ियां बर्दाश्त करेगी। हम सभी अपना कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी यानी कमिश्नर के द्वारा पत्रकार को सेटअप कहा गया है यह निंदनीय है। तुरंत कमिश्नर को पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, एक चीज, पत्रकारों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलाल भी कहा गया है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये जिस तरह से कमिश्नर मैडम ने कही है बात, वो सारा बात निंदनीय है। उनको माफी मांगनी चाहिए पत्रकारों से। हम लोग आज उसी को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन क्यों? कल आयुक्त वंदना किनी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमारे एक साथी जो रिपोर्टर थे उनको उन्होंने सेटअप किया। सेटअप मीन्स सेटअप के बाद गेट आउट ही बचता है। और आपने खुद बुलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप ही अगर उस तरह की भाषा कहेंगे तो हम लोग सिर्फ एक मौन, हम लोगों का एक विरोध है। हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया है आज और सारे पत्रकार शहर के।
नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नन एसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर आयुक्त वंदना किनी के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने खोला मोर्चा, सीएम से किया हस्तक्षेप करने की मांग। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी द्वारा सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों और राजनेताओं को कहे गए अपशब्द पर नगर विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बकायदा अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुक्त को जरूर संबंधी एजेंसी से लाभ प्राप्त हुआ है, वरना सेंडिस कंपाउंड में हो रहे निर्माण कार्य में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बावजूद आयुक्त एजेंसी के बचाव में प्रत्यक्ष रूप से कैसे उतर सकती है। उन्होंने कहा कि आयुक्त खुलेआम स्थानीय राजनेता, पत्रकार और आम लोगों के साथ निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जांच करने पहुंचे। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के जांच टीम को धमकी देकर पद की गरिमा को धूमिल कर रही है। विधायक की माने तो पीडीएमसी भागलपुर स्मार्ट सिटी की टीम लीडर पीएन सिन्हा ने खुद पिछले 14 दिसंबर को पत्र लिखकर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की जांच टीम से गुणवत्ता की जांच कराने का अनुरोध किया था। बहुत आश्चर्य हुआ उनका, मैंने जो पीसी का वीडियो देखा, क्लिपिंग देखा, हमको तो लगता है कि वो एक प्रमंडल आयुक्त है, उनको जो काम का सुपरविजन करना चाहिए। अगर कोई भी जनता जाता है देखने के लिए काम को, चूंकि वो जनता का चीज है, जितने भी पूरे बिहार और देश में जो भी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है, सरकार तो उसको देख रेख रखती है और जो भी पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं उनको वो देख रेख के बढ़िया से काम कराना है और उसको स्वच्छ रखना है। उनका जो मैंने क्लिपिंग देखा उसमें ये कहते हैं, एक तो उन्होंने राजनेता मतलब नेता पर किया कि वो जाके सेंडिस का पॉइंट काम को देखे, दूसरा वो कहते हैं कि पत्रकार बंधु को रंगदारी मांगते हैं ठेकेदारों से। उनका अगर आप पूरा क्लिपिंग देखेंगे तो लगता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है सिंगल, वो चाहे तो खुद ये ठेकेदार हैं या उससे कुछ कुछ में प्रभावित हो चुकी है। पूरे वीडियो क्लिपिंग में उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं, काम छोड़ के वो यह बताने में विश्वास रखती है कि झारखंड में उन्होंने यह काम किया सिंगल ने, मुख्यमंत्री उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, यहाँ भी काम हो रहा था, लोग ईंट देख रहे हैं, बालू मट्टी को उठाते करते सीमेंट है, मतलब इस तरह की बात। हमने जब वहां जांच के लिए गया नगर आयुक्त को, मैंने कहा आप चलिए, जो काम हो रहा है जनता का शिकायत है कि वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो रहा है, कमी। हम दोनों गए देखे, उन्होंने भी देखा, आंख से उन्होंने देखा, सब चीज देखने के बाद मैंने कहा कि इसको आप क्वालिटी जो है इसको जाँच करा लीजिए, अगर होता है तो यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ भी जाँच होता है, लैब अच्छे हैं, यहाँ करा लीजिए। बोले नहीं सर, इसको करा लेते हैं। और कल जो प्रमंडल आयुक्त बोल रही थी, राजनेता अपने विकास के लिए, अपने वैभव के लिए, नाम कमाने के लिए ऐसा हरकत कर रहे हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है एक प्रमंडल आयुक्त, किसी भी जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री सदन में बोलते रहते हैं, मैंने उनको पत्र लिखा है, उस पत्र का आपको 2 लाइन सुनाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा सभी माननीय विधायकों को बार बार सदन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता रहा है कि हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर हो रही कमियों को उजागर करें और गुणवत्तापूर्ण काम कराकर बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई के जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसे इसके एक एक पाई का लाभ दिलावे। ये सीधे मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं सभी विधायकों को, और सभी विधायकों का काम है अपने अपने विधानसभा में जो काम चल रहा है उसको देखने का काम है, और गलत हो रहा है उसका जाँच करवाने का आग्रह करने का काम है। बिल्कुल लगता है कि वो क्या बोले, मतलब पत्रकार सवाल कर रहा था, मैंने वीडियो में देखा है कि मैडम एफआईआर की बात कर रही है, कुछ ट्रेनिंग 6 महीने देने की बात कर रही है, मैंने पत्रकार को भी नौकर समझ रहे हैं, नेता को भी नौकर समझ रही है, वो नाम तो वो नहीं ली लेकिन सीधा बोले कि राजनेता काम में अवरुद्ध डाल रहा है। राजनेता विधायकों का काम है, सांसदों का काम है, जो भी काम उनके क्षेत्र में चलेगा उसको देखने का हक है उनको, पता नहीं क्यों कर रही है ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैंने जांच मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री को बड़ा कड़ा शब्दों में लिखा है, उनसे ये कहा है कि आप यदि विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे कार्य की गुणवत्ता को परखने की अनुमति भवदी देते हैं तो सर्वप्रथम सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में जो स्मार्ट सिटी
परियोजना के तहत काम कराया गया है उसकी जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा किसी सक्षम तथा निष्पक्ष तकनीकी एजेंसी से कराने की कृपा की जाए। और सबसे बड़े मजे की बात क्या है, नगर आयुक्त खुद गई थी उस दिन जांच में, उन्होंने भी देखा गुणवत्ता काम नहीं हो रहा है, जांच के लिए तैयार हो गई। पता नहीं कल वो पीसी में बैठी थी, एक शब्द नहीं बोल रही और पत्रकारों से उलझ रही है, उनका आवेश जो बोलने का था लगता ही नहीं काम करना चाहती है वो। ऐसा कोई पदाधिकारी मैंने अपने जिंदगी में, अपने राजनीतिक जिंदगी में, ऐसे भी जिंदगी मैंने देखा नहीं कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर जो नाम है सिंगल, उसके लिए सर गुणगान करने पर बैठी है, काम का कम बात कर रही थी। मैं आप जाएगा देखने के लिए, रिपोर्ट करो उस पर FIR होगा, करके तो दिखाएं, जनता का अधिकार है देखना। यह नहीं है कि आप किसी को देखने ही नहीं दीजिएगा, जो मन होगा सो कीजिएगा, यह बिहार में नहीं चलेगा। नगर आयुक्त उनको प्रमंडल आयुक्त महोदय को जानना होगा, काम होगा गुणवत्ता के हिसाब से, अच्छे काम होंगे और सब पूरी जनता का अधिकार है देखने का, उसको कोई रोक। पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में, नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया, लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारे, खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया 7 लाख रुपए फिरौती मांग रहे थे अपहरणकर्ता, अपहरित बालक खगड़िया के बंधेरा गांव से बरामद, 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नारायणपुर के नगरपारा उत्तर पंचायत से अपहरित अमरजीत रजक के 8 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार को सोमवार देर शाम नवगछिया और खगड़िया की पुलिस ने छापेमारी कर बरामद कर लिया है। पुलिस ने बालक को खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बंधेरा से बरामद किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 3 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी भवानीपुर ओपी के गनौल निवासी शिवम कुमार, नारायणपुर निवासी सौरभ कुमार एवं राकेश कुमार रोशन शामिल हैं। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए अपहृत बालक के सकुशल बरामदगी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को अपराधियों ने फिरौती की मांग को लेकर बालक सूरज का अपहरण अपराधियों द्वारा कर लिया था। वहीं अपराधियों द्वारा 6 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। घटना के संदर्भ में भवानीपुर ओपी में मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए बालक की सकुशल बरामदगी के लिए SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में बीपुर सर्किल इंस्पेक्टर SN चौहान, भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार, नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार को शामिल किया गया था। ये दिनांक 25 तारीख को एक अमरजीत रजक है, नारायणपुर ग्राम थाना भवानीपुर ओपी के रहने वाले, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि इनके बच्चे गुम हो गए हैं, कहीं खेलने गए थे जो वापस मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई कंप्लेन नहीं किया गया था, सिर्फ गुमशुदगी का रिपोर्ट दिया गया। फिर दोबारा 26 तारीख को इनके मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि 6 लाख रुपया दीजिए, आपका बच्चा मेरे कब्जे में है। इसकी सूचना ये तुरंत हम लोगों को दी, हम लोगों ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए, खोजबीन तो जारी था लेकिन चूँकि अपहरण रैंसम कॉल आ गया था इसलिए तुरंत हम लोग तत्पर हुए और SP मैम के द्वारा तुरंत एक टीम का गठन किया गया। इस पर हम लोग तेज़ी से काम करना शुरू किए। काम करने के क्रम में ही हम लोग को टेक्निकली कुछ लीड्स मिलना शुरू हो गया, उसके आधार पर कई जगह रेड किया गया और 48 घंटा काम करने के बाद में कुल 3 अपराधी और बच्चे की बरामदगी हो पाई। बच्चे को कहाँ अपहरण करके लेके जाया गया था? बच्चा का अपहरण करके पिनगरा एक है बेलदौर थाना में, खगड़िया जिला खगड़िया थाना बेलदौर, गांव का नाम है पिनगरा, वहाँ पर ये लोग रखे हुए थे। नहीं, अपहरण करने का मुख्य कारण क्या था सर? मुख्य कारण सिर्फ फिरौती। कितना फिरौती था? 6 लाख की रकम मांगी गई। किसने फिरौती मांगी थी? फिरौती मांगने वाला व्यक्ति राकेश है, राकेश राय, वो रहने वाला है पसराहा थाना का कोयला गांव का। उनसे पूछताछ में क्या सामने आया है? नहीं, अभी वो अभी गिरफ्त में नहीं है, बाकी सारे लोग पकड़े गए हैं लेकिन अभी राकेश फिरार है। तो इस क्रम में सर कहां कहां छापेमारी की गई? और इसमें पसराहा थाना के कई जगह पर रेड मारा गया, नारायणपुर थाना के कई जगह पर रेड मारा गया, तो इसमें शामिल कुल 4 अपराधी जो मुख्य रूप से थे उसमें 3 की गिरफ्तारी हुई। इनके द्वारा कन्फेस किया गया कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने इसका अपहरण किया है और कहां से मोबाइल लिए हैं रैंसम कॉल करने के लिए, कहां बच्चे को रखा गया है, ये सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई। उसके आधार पर फिर हम लोग खगड़िया के कई जगहों पर रेड किए।
कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। बेरोजगारी के कारण युवकों ने किया अपहरण, लेकिन एक फोन कॉल ने कर दिया काम तमाम। बेरोजगारी के कारण तीनों बदमाशों ने अपहरण कर तुरंत लखपति बनकर रोजगार करने की चाह में बालक के अपहरण को दो साहसिक वारदात को अंजाम दिया। नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि बदमाशों ने पूछताछ में अपने जुर्म को कबूल करते हुए कहा कि सूरज का पिता भोज में रसोईया का काम करता है, जिससे उसे बहुत कमाई होता है, इसलिए उससे रुपए लेने के लिए उसके बेटे सूरज का अपहरण कर लिया। बरामद हुआ बालक सूरज के पिता अमरजीत रजक शादी आदि समारोह में रसोईया का काम भोजन बनाने का कार्य करता है। इसके स्वादिष्ट भोजन के कारण आयोजन में इसका व्यवसाय बढ़िया चलने लगा था। इसकी कमाई पर उसके पड़ोसी सौरभ राकेश का नजर था। अमरजीत के साथ गिरफ्तार सौरभ का भाई दीपक सहायक रसोईया का काम करता है। अमरजीत की कमाई कहां से कैसे होता है, इसकी जानकारी दीपक अपने भाई सौरभ को दिया करता था। दोनों का घर आसपास था। इस बीच सौरभ को किसी दलाल के द्वारा बिहार पुलिस में नौकरी दिलाने के बारे में कहा गया। उसके लिए रुपए की जरूरत थी, इसलिए सौरभ ने राकेश शिवम के साथ मिलकर अपहरण का योजना बनाया। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। गोपालपुर, ऑटो के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 घायल, पति पत्नी की गंभीर स्थिति में किया रेफर। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर चौक के निकट ऑटो के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों में पति पत्नी की स्थिति काफी गंभीर होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद PSC गोपालपुर से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नौगछिया की ओर से जा रही ऑटो को विपरीत दिशा से आ रही भैंस के आमने सामने की टक्कर के कारण ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक डिमहा निवासी कृष्ण व राजकिशोर चौधरी को मामूली चोट व धरारा निवासी महंती महलदार व उनकी पत्नी चांदी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद PSC गोपालपुर से बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नौगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। नवगछिया का एक ऐसा संस्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं AC ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया NSS द्वारा नवगछिया स्टेशन पर चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान। स्थानीय बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज की NSS इकाई द्वारा नवगछिया स्टेशन पर मंगलवार को स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन परिसर में सफाई कार्यक्रम भी किया गया। वहीं मौके पर स्वच्छता निरीक्षक सतीश कुमार चंद्र तथा बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज के
एनएसएस सहयोगी राजेश कनोडिया एवं एनएसएस के दर्जनों छात्र शामिल थे। नवगछिया, मास चेकिंग में 56 लोगों एवं 8 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को मास चेकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 56 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 2800 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 8 वाहन चालकों से 6000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाई उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें, साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया, संपर्क करें 9060127642938708313। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदर।